अखबार में कोई ढंग की खबर ही नहीं। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग देव बेटा। ओहो सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है? ओहो कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला या फिर गधे के सर पर सींग तो गिर रहा है? ठीक है अच्छी बात है। बालवीर हुए विवान से नाराज। काल परी आई है ले जाने के लिए विवान को अपने साथ। आज तुम दोनों क्रोधा की क्रोध शक्ति में भस्म हो जाओगे। जरा देखिए तो ये जनाब कौन है, जरा करीब से देखिए, शायद आप इन्हें पहचानते हैं। नहीं पहचाने? चलिए हम ही आपको बता देते हैं, ये जनाब डूबा डूबा है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जनाब खुलेआम विवान के घर इतना थाट कैसे फरमा रहे हैं। अब जरा ये देखिए, यहाँ बालवीर भी आ गए हैं, जो अपने जादू से तुरंत ही डूबा डूबा को विवान बना देते हैं। अब समझे, पिछली बार की तरह ही बालवीर ने इस बार भी डूबा डूबा को विवान बना दिया है। और आज डूबा डूबा पर बालवीर का गुस्सा भी फूट पड़ा है। खैर जब डूबा डूबा यहाँ विवान बनकर रह रहे हैं तो भला असली विवान कहाँ है? चलिए ये भी हम आपको विवान के मुंह से ही सुना देते हैं। विवान जो है वो है बहुत शरारती और अपने जादू से उसे मस्ती करना अच्छा लगता है, ना चाहते हुए भी उसका मन होता है तो वो बदमाशी करता है, तो सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए। तो बालवीर ने विवान को ये सज़ा दी है कि वो आईने के अंदर कैद रहेगा। ओ शरारती विवान को एक बार फिर बालवीर से पनिशमेंट मिली है। लेकिन विवान की शरारतें भी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। वेल बालवीर को देखकर तो यही लग रहा है कि कुछ तो है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। मुझे तो लगा कि विवान को अगवा करने आएगा, लेकिन तो यह आया ही नहीं, फिर वो गया कहां? बालवीर सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ काल परी आ जाती है, जिन्हें देख डूबा डूबा की हालत खराब हो जाती है। सोना और पीतल में फर्क पता चलता है मुझे बालवीर, आज तुम दोनों क्रोधा की क्रोध शक्ति में भस्म हो जाओगे। बालवीर भी कालपरी का डटकर सामना करते हैं, लेकिन करुणा जी के आ जाने से बालवीर और कालपरी दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। अब भला बालवीर कहां गए ये तो वक्त ही बताएगा। विवान आप ही बता दीजिए कि कहानी में अब आगे कौन सा ट्विस्ट आएगा? हाँ तो जरूर आएंगे ही, ताकि अब आपको मजा आए देखने में, तो इसलिए देखते रहिए बालवीर रिटर्न्स ओनली ऑन सोनी सब एट 8 PM। वेल काल लोक की शक्तियाँ पूरी तरह से बालवीर और विवान के पीछे पड़ चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट E24।